नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। टेक्नोलॉजी ने हर चीज को स्मार्ट बना दिया है, चाहे वो आपका फोन हो या आपके घर का कोई भी प्रोडक्ट, हर चीज आपको स्मार्ट मिल जाएगी। हर कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है जो आपकी जरूरत को स्मार्ट तरीके से पूरा कर सके। अब आप खुद ही देख लीजिए, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी कंपनी डायसन ने एक ऐसा हेडफोन तैयार किया है जिसमें एयर प्यूरिफायर सेट किया गया है। जी हाँ, एशिया में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डायसन ने इससे लड़ने के लिए एक कदम उठाया है और स्मार्ट और पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर को डिजाइन किया है। आपको बता दें कि ब्रिटिश कंपनी डायसन एयर प्यूरिफायर वैक्यूम क्लीनर और हैंड ड्रायर्स बनाने के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। इस कंपनी के एयर प्यूरिफायर और दूसरे प्रोडक्ट्स टॉप नॉच होते हैं। अब डायसन ने ऐलान किया है कि वह एयर प्यूरिफायर वाले हेडफोन्स पेश कर रही है। आपको बताते चले कि ब्लूमबर्ग ने साल 2018 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि डायसन ने इस प्रोडक्ट के लिए अपने पेटेंट फाइल किए हैं। अब हाल ही में छपी रिपोर्ट कहती है कि कंपनी ने एयर प्यूरिफायर हेडफोन्स का पेटेंट करा लिया है। यूके पेटेंट ऑफिस में इस हेडफोन के पेयर को पब्लिश किया गया है। कंपनी के मुताबिक 6 साल तक 500 प्रोटोटाइप बनाए गए हैं और इसके बाद इसे तैयार किया गया है। हालांकि इसकी बिक्री कब से शुरू होगी और कीमत क्या होगी, ये अभी तक कंपनी ने स्पष्ट नहीं किया है। आपको बताते चले कि गौरतलब है कि एयर प्यूरिफायर वाले हेडफोन्स के साथ कंपनी वेयरेबल स्पेस में भी एंट्री कर रही है, क्योंकि इससे पहले तक डायसन के हेडफोन्स नहीं आते थे। डायसन के इन प्यूरिफायर हेडफोन्स का नाम डायसन जोन एयर प्यूरिफाइंग हेडफोन्स रखा गया है। ये ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं और इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी दिया गया है। आपको आगे बताते चलें कि कंपनी का दावा है कि ये हेडफोन्स बेहतरीन इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंसेस देंगे और साथ ही इसे पहनने वाले के नाक और मुंह में प्यूरिफाइड एयर फ्लो मिलता रहेगा। कंपनी के चीफ इंजीनियर जेक डायसन ने कहा कि एयर पोल्यूशन एक ग्लोबल समस्या है जो हमें हर जगह प्रभावित करती है। घर, स्कूल, ऑफिस और कहीं भी ट्रेवल आप कर रहे हो, चाहे पैदल हो या बाइक पर या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, डायसन जोन हेडफोन्स आपके साथ हर जगह आपके साथ होंगे और हवा प्यूरिफायर करेंगे। आपको आगे बता दें कि जेक डायसन के मुताबिक ये हेडफोन एयर प्यूरिफायर मास्क की तरह आपके फेस को टच नहीं करेगा, बल्कि फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगा। इसमें हाई परफॉर्मेंस फिल्टर्स लगे हैं और 2 एयर पंप्स हैं। कंपनी ने कहा कि 6 साल के डेवलपमेंट के बाद कंपनी ने प्योर एयर और प्योर ऑडियो टेक लॉन्च किया है। डायसन के मुताबिक कंपनी ने 6 साल में इसके 500 प्रोटोटाइप बनाए हैं। डायसन का दावा है कि इसमें दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ट्रेशन 0.1 माइक्रॉन्स तक के छोटे से छोटे पार्टिकल पोल्यूशन को 99% तक खत्म करता है। इनमें डस्ट, पोलेन और बैक्टीरिया भी शामिल है। आपको ये भी बताते चले कि इन हेडफोन्स में 4 एयर प्यूरिफिकेशन मोड्स दिए गए हैं। इनमें लो, मीडियम, हाई और ऑटो शामिल है। अलग अलग शहरों के पोल्यूशन लेवल के हिसाब से आप इसे सेट कर सकेंगे। इन हेडफोन्स के दोनों एयर कप्स में मोटर्स लगे हैं जो एयर प्यूरिफायर के लिए मुख्य हैं। इन हेडफोन्स में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर दिया गया है। इसके साथ ही इनमें इलेक्ट्रो ऑक्टिस्टिक सिस्टम दिया गया है जो इमर्सिव ऑडियो देता है। आपको आगे ये भी बताते चलें कि इन हेडफोन्स को बिना एयर प्यूरिफायर एक्टिवेट किए ऑडियो ओनली भी यूज किया जा सकता है। फेस कवर करना है तो इसके लिए बॉक्स में अटैचमेंट दिया गया है, उसे यूज कर सकते हैं। दूसरे स्टैंडर्ड ANC हेडफोन्स की तरह इनमें भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के 3 मोड्स दिए गए हैं। इनमें आइसोलेशन मोड, कन्वर्सेशन मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड शामिल है। और आइए अब जानते हैं कैसे काम करता है ये हेडफोन। आपको बता दें कि हालांकि ये एयर प्यूरिफायर दिखने में हेडफोन्स की तरह लगता है, लेकिन आप इसमें गाने नहीं सुन सकते। हेडफोन के दोनों ईयर कप्स में मोटर लगाई गई है जो एयर फ्लो को कंट्रोल करेगी। ये मोटर 12,000 RPM की स्पीड से स्पिन करेगी, जो कि हर सेकेंड में 1.4 लीटर हवा खींचने में कैपेबल होगी। डायसन ने पेटेंट में उम्मीद जताई है कि वेयरेबल एयर प्यूरिफायर को ज्यादा सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगी, क्योंकि मास्क आपके ज्यादातर चेहरे को कवर कर देता है, जो कि ज्यादातर बदमाश इस्तेमाल करते हैं। आपको इस अनोखे प्रोडक्ट को लेकर के क्या कहना है, आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।
और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।